जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग आज दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का जो समय है वो 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है। इसमें 5 वंश शासन करते हैं। आज हम लोग पहले वंश के बारे में जानेंगे। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश या एलवरी वंश भी कहा जाता था। गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। आइए देखते हैं इनके बारे में। गुलाम वंश, इस वंश के कुछ शासक गुलाम थे, जैसे कुतुबद्दीन ऐबक, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। मामलुक वंश, इसका अर्थ ऐसे गुलाम से है जिनके माता पिता स्वतंत्र हो, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था, मामलुक वंश कहलाता था। एलवरी वंश, यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्योंकि कुतुबद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक एलवरी जाति के तुर्क थे, इसीलिए इसे एलवरी वंश कहा गया। आइए देखते हैं कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आते हैं। तो पहला शासक आता है कुतुबद्दीन ऐबक, जिसका समय होता है 1206 से लेकर 1210। ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में तुर्क जनजाति में हुआ। कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान खावी कहा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम का निर्माण करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको नोट करना है कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी, तो ये कुवत उल इस्लाम थी, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी, और ये दिल्ली में है। ऐबक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो ऐबक ने। और ये कहाँ पर है, राजस्थान के अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर इसे बनाया गया था। फिर देखेंगे सूफी संत कुतुबद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दोस्तों, आपको यहाँ पर नोट करना है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत किसने की, तो ऐबक ने। इसको पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और इसका जो मकबरा है वो लाहौर में बनवाया गया। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर में। अब इसका समय यही ख़त्म हो जाता है। आगे देखेंगे, थोड़ा हम लोग तुर्क के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये तुर्क जो है चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे। यह एक असभ्य व बर्बर जाति के लोग थे। असभ्य बर्बर जाति का मतलब होता है लूटपाट करने वाले लोग, हथियारे, ठीक है। इनका उद्देश्य था विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। दोस्तों, अब ऐबक के बाद अगला सुल्तान आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो समय है वो 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से किस सुल्तान को साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है, तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सेवक का गुलाम था। अपनी योग्यता से इल्तुतमिश इक्तदार से ऐबक का दामाद बन गया। यहाँ पर नोट करना है कि जो इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक बनता है, तो ये ऐबक का दामाद भी होता है। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश का इक्तदार था। दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश कहाँ का इक्तदार था,
तो ये बदायूं यानी कि उत्तर प्रदेश का इक्तेदार था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्हा से सुल्तान की उपाधि व खिल्लत यानी कि इजाजत प्राप्त की। दोस्तों ये जो इल्तुतमिश था इसने सुल्तान की उपाधि 1229 में ली थी और ये बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह ने दी थी। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया तो इल्तुतमिश। फिर देखेंगे इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलवाए, चांदी और तांबा। चांदी के सिक्के टका अथवा टंका कहलाते थे और तांबा के सिक्के जीतल कहलाते थे। फिर देखेंगे इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की परंपरा शुरू की। दोस्तों ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह पहला मुस्लिम शासक जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की परंपरा शुरू की तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल की स्थापना करवाई और सिक्कों पर शिव के बैल नंदी तथा घुड़सवारों के चित्र अंकित करवाए। इल्तुतमिश ने अपने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर तुर्क ए चहलगामी नामक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तुर्क ए चहलगामी जो संस्था थी वो किसने बनवाई, तो इल्तुतमिश ने। इसमें 40 तुर्की सरदार होते हैं और ये प्रशासनिक संस्था के लिए बनाई गई थी। इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था, न्यायिक व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए अमीर ए दाद जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। दोस्तों ये न्याय करने में बहुत ही अच्छा शासक था। आगे देखते हैं भारत में एकता प्रणाली को स्थापित किया। दोस्तों इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रणाली को स्थापित किया। दोस्तों एकता का मतलब होता है प्रांत और इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, अर्थात धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। दोस्तों जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना तो दिल्ली का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि अकेले संभालना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इसने दिल्ली साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया और इन्हीं क्षेत्रों को बांटे गए जो भाग हैं उनको इक्ता कहा गया। इन क्षेत्रों पर शासन करने वाले अधिकारियों को इक्तेदार कहा गया। साधारण भाषा में बताएं आपको, जैसे आज हमारा भारत है, भारत में छोटे छोटे राज्य हैं तो वो क्या कहलाए, इक्ता। और उन राज्यों में शासन कौन करता है, मुख्यमंत्री, तो वो कौन कहलाए, इक्तेदार। तो ऐसे ही इनका शासन था। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करते थे। इनका काम था प्रशासनिक और सैनिक कार्य करना। इक्तेदार इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्चों को निकालकर शेष रकम को राजकोष में जमा कर देते थे। कहने का मतलब है कि जो इक्तेदार होते थे वो इक्ता यानी कि प्रांतों से जो राजस्व कलेक्ट करते थे उन राजस्व में से अपने वेतन प्रशासनिक व सैनिक खर्चों को निकाल लेते थे और बाकी जो शेष राशि बचती थी वो सुल्तान यानी कि राजकोष में जमा कर देते थे। इस शेष राशि को फवाजिल कहा जाता था। आइए देखते हैं इक्तेदार के कार्य। इक्तेदार के कार्य हैं लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना और शांति स्थापित करना। अब देखेंगे
इल्तुतमिश के कुछ स्थापत्य कला, क्योंकि इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। भारत में गुंबद अथवा मकबरा, दोस्तों आपको यहाँ पर नोट करना है कि भारत में गुंबद अथवा मकबरे का जो निर्माण की परंपरा की शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने करवाई थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत में गुंबद और मकबरे बनाए गए हैं उसको बनाने की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने। यहाँ पर नोट करना है कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया और यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहला मकबरा कौन सा था, तो वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाई थी। सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा का सुल्तान। इसके बाद आगे देखेंगे बदायूं का जामा मस्जिद एवं नागौर। दोस्तों ये नागौर जो है राजस्थान में है। नागौर के अतारकिन के दरवाजे का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मोईची का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों ये मोहम्मद गौरी वही है जिसने तराई का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था। अब इसके बाद अगला शासक बनती है रजिया सुल्तान, क्योंकि दोस्तों इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है और फिर अगली शासिका होती है इस रजिया सुल्तान जो 1236 से लेकर 40 तक रहती है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। दोस्तों यहाँ पर नोट करना है कि जो रजिया थी वो मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। शासिका बनने पर रजिया ने उलमत उल निसाह की उपाधि धारण की। दोस्तों रजिया जो थी वो बहुत ही कुशल और योग्य महिला शासिका थी, लेकिन दोस्तों जो मुस्लिम समाज था उसमें महिलाओं को शासन करना अच्छा नहीं समझा जाता था। जो महिलाएं थी वो पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, वो भी अच्छा नहीं माना जाता था। जब रजिया शासिका बनती थी तो वो पुरुषों की तरह कपड़े धारण करती थी, जिसे लेकर जो मुस्लिम समाज था वो अच्छा नहीं मानता था। इसी को लेकर जो तुर्क सरदार होते थे, दोस्तों ये तुर्क सरदार वही हैं जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर तुर्क ए चहलगानी बनाई थी, तो ये तुर्क सरदार वही हैं। तो ये क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र के द्वारा रजिया को गद्दी से हटा देते हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये बहराम शाह 1240 से लेकर 42 तक रहता है, 2 वर्ष तक। ये इल्तुतमिश का पुत्र तथा रजिया का भाई होता है। रजिया की मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। दोस्तों जब ये बहराम शाह शासन बनता है तो इसके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। एक होता है नायबे ममलिकात और दूसरा होता है मंगोलों का आक्रमण। आइए देखते हैं नायबे ममलिकात क्या है। यह एक पद था। इस पद के अधिकारियों के पास सुल्तान की सभी शक्तियां थी, यानी कि ये जो नायबे ममलिकात है ये पद है और इस पर कोई बैठता था तो उसके पास वो सारी शक्तियां आ जाती थी जो सुल्तान के पास होती थी। फिर देखेंगे
सुल्तान के अधिकारों को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने इस पद का सर्जन किया। दोस्तों, ये तुर्क सरदार जो थे, जो सुल्तान थे, उसको अधिकारों को कम करना चाहते थे, इसलिए इस पद को बनाया। इस पद पर प्रथम बार मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को बैठाया गया, जो बहराम शाह क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। आगे देखेंगे मंगोलों का आक्रमण। बहराम शाह के शासनकाल के समय 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बहराम शाह के शासन में कब मंगोलों ने आक्रमण किया, तो 1241 में तायर के नेतृत्व में। फिर देखेंगे मंगोलों के आक्रमण से बहराम शाह की सेना जो है वो पराजित हो जाती है और मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करते हुए बहराम शाह की हत्या कर देते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित कर देते हैं। बहराम शाह के बाद अगला सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से लेकर 46 तक रहता है। ये इतना कोई अच्छा कार्य नहीं करता है और ना ही ये कोई कुशल योग्य शासक होता है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर देखेंगे इसके बाद अगला सुल्तान बनता है नासिरुद्दीन महमूद। ये 1246 से लेकर 1265 तक रहता है। दोस्तों, ये नासिरुद्दीन महमूद वही है जो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। जब ये सुल्तान बनता है तो इसके समय जो 40 तुर्की सरदार होते हैं उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये नासिरुद्दीन महमूद जो था वो एक कुशल सुल्तान नहीं बन सका, क्योंकि ये इतना योग्य और कुशल नहीं था। इसका जो रुचि थी वो कुरान लिखने में बहुत थी, मतलब धार्मिक संस्थानों में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, तो इसलिए ये सुल्तान बनने में ज़्यादा कुशल और योग्य नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, जब ये सुल्तान बनता तो इसने अपना एक नायक बनाया जिसका नाम था बलबन। ये बलबन जो था वो नसीरुद्दीन महमूद का नायक था और ये बलबन आगे चलकर इतना योग्य और शक्तिशाली सरदार बन गया कि नसीरुद्दीन महमूद के बाद ये अगला सुल्तान बलबन ही बनता है। तो दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद अगला सुल्तान बनता है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों, ये गयासुद्दीन जो है ये उपाधि है और नाम जो है ये बलबन है। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से लेकर 1286 तक रहता है। आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में। बलबन इल्तुतमिश का दास था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। अब सोच सकते हैं कि ये बलबन इल्तुतमिश का दास था, यानी कि ये कितने लंबे समय से गुलाम वंश में रहा है, तो इसे काफ़ी कुछ ज्ञान और एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। अब योग्यता के आधार पर इल्तुतमिश व रजिया के समय अमीर ए आखूर यानी अश्वशाला का अध्यक्ष का पद प्राप्त किया। बलबन पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद व अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। कहने का मतलब है कि यह पहला शासक था जिसे सुल्तान और अधिकारियों के पद के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान था कि सुल्तान के अधिकार क्या होने चाहिए, क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए। इसे सब कुछ का ज्ञान था और ये काफ़ी इसे एक्सपीरियंस भी हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये इल्तुतमिश का दास था और इतने लंबे समय से रह रहा था। आगे देखेंगे उपाधियां। उलुंग खा, चिल्हे अल्हा, गयासुद्दीन, नियायत ए खुदाई, ये बलबन की उपाधियां हैं। नियायत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन तुर्क ए चहलगामी का सदस्य था। दोस्तों, जब इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर तुर्क ए चहलगामी संस्था बनाई थी, तो उन तुर्क ए चहलगानियों में से एक बलबन भी था। आप सोच सकते हैं
कि ये कितने लंबे समय से गुलाम वंश में रहा। बलबन ने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अनुसरण किया। दोस्तों, ये लौह एवं रक्त की नीति जो थी वो ये थी कि जो कोई भी बलबन का विद्रोह करता था तो उन विद्रोहों की हत्या करके उसके बच्चे एवं पत्नी को गुलाम बना लिया जाता था, तो इसे ही लौह एवं रक्त नीति कहा गया। फिर देखते हैं, बलबन ने तुर्क ए चहलगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्क ए चहलगानी व्यवस्था को समाप्त किसने किया, तो बलबन ने। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब बलबन सुल्तान बना तो इसे सब कुछ का ज्ञान था कि जो तुर्क ए चहलगामी हैं वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि जिसे चाहे जब चाहे गद्दी पर बैठाते थे और जब चाहे गद्दी पर हटा देते थे। तो दोस्तों, जब ये सुल्तान बना तो इसने क्या करा, इसने इस व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं आगे सुल्तान बनता हूँ तो ये लोग भी मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो इसी के चलते इसने तुर्क ए चहलबानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फारसी परंपराओं पर आधारित नवरोज को भारत में शुरू किया। दोस्तों, ये नवरोज त्योहार जो है बलबन ने ही शुरू की थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिजदा और पायबोस परंपरा प्रारंभ की। दोस्तों, सिजदा का अर्थ होता है घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पायबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, राजत्व सिद्धांत का तात्पर्य है राजा एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि बलबन जो है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से वह कौन सा सुल्तान था जो ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, तो बलबन। बलबन ने बरीदे मुबालिक विभाग की स्थापना की। दोस्तों, ये बरीदे मुबालिक जो थी वो एक गुप्तचर विभाग थी। 80 वर्ष की अवस्था में 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला सुल्तान बनता है शमसुद्दीन क्यूमर्श, जो 1287 से लेकर 1290 तक रहता है। भारत में गुलाम वंश का ये अंतिम शासक होता है और ये क्यूमर्श जो होता है वो अल्पायु होता है, यानी कि बहुत कम उम्र में शासक बनता है और ये एक बालक था जो इतना योग्य और कुशल नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए जलाउद्दीन खिलजी क्यूमर्श की दोनों आंखें फोड़कर सल्तनत का शासक बन गया। यहीं पर गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत काल में एक नए दूसरे वंश की शुरुआत होती है, वो होता है खिलजी वंश। तो दोस्तों, आज का हमारा यहाँ पर गुलाम वंश समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।